पूर्वांचल एक्सप्रेस का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गाजीपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कैंप कार्यालय कासिमाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर उनका हेलीकॉप्टर दोपहर लैंड किया। पूर्वांचल की गुणवत्ता की जांच की। पैकेज 7 के तहत मिट्टी कार्य में तेजी लाकर 8 दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जहाँ तहाँ रेलवे ओवर ब्रिज वगैरह पर कार्य धीमी गति से चल रहे, वहाँ जल्द ही इंजीनियर पहुंचकर कार्य की जांच करेंगे। मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा, एक्सप्रेसवे पर जनवरी के अंत तक परिवहन सेवा चालू कर दी जाएगी, जो कि गाजीपुर से लखनऊ 3.5 घंटे और दिल्ली पहुंचने में 9 घंटे का समय लगेगा। प्रमोद कुमार, गाजीपुर, समाचार 24। तेज लाने की जरूरत है। हमने जो यहां के कॉन्ट्रैक्टर से मिट्टी के 8-9 उनके सबसे बात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि दिसंबर एंड तक हर हालत में जो है मिट्टी पूरी करेंगे। एक दो जगह रेलवे ओवरब्रिज वगैरह थोड़ा स्लो है, तो हमारे चीफ इंजीनियर जो है परसों आकर फिर इसका रिव्यू भी करेंगे ग्राउंड पर। और पैकेज 8 में भी 1 या 2 स्थान ऐसे हैं जहां थोड़ा सा काम और क्रिटिकल है, उसको आगे ले जाने की जरूरत है, उसमें भी मिट्टी को और तेज ले जाने की जरूरत है। मिट्टी को मुद्दा यह है कि हम जनवरी के अंत तक इस कार्य को शुरू करें। आज हम लोगों ने 4 जगह 8 पैकेज का रिव्यू किया है, काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि सड़क जनवरी के अंत तक चालू हो जाए। गाजीपुर में और मऊ में और आजमगढ़ में ये जो 2 पैकेजेस हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और खूब मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये निर्देश सीधे गाजीपुर से दिल्ली तक जाने की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि लखनऊ में बाईपास भी तैयार हो जाएगा, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फिर आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा से फिर जो है यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली हो जाएगा। यहाँ गाजीपुर से दिल्ली हमारे हिसाब से लगभग 3.5 घंटा लखनऊ यहाँ से लगेगा, 4 घंटा 5 घंटा दिल्ली, यानी 9 घंटे में गाजीपुर से दिल्ली बड़े आराम से लोग जा सके। मथुरा में एक भतीजे ने